How to calculate the weight of I-beam? I-beam, अब आप सोच रहे हैं कि I-beam है क्या? Normally जब हम लोग जो fabricating structure करते हैं, उसमें जो है I-beam देते हैं, जो कि आपको जो है I की तरह रहेगा, दिखेगा। अब इसको जो है, आप जो है इसका अगर हम technical भाषा में बोलें, इसको जो है हम लोग ISMB बोलते हैं। ISMB का full form हो गया Indian Standard Mid Beam। इसका एक और होता है, इसका बहुत सारा पार्ट है ISLB, इंडियन स्टैंडर्ड लार्ज बीम। तो इस तरीके से जो है ये होता है। अब जो है यहाँ पे इसका वेट कैसे निकालना था, हम आपको यहाँ पे एग्जांपल देके बताऊंगा। जैसे कि ISMB जो है ये आपका जो है यहाँ से यहाँ जो है 100 mm का, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक जो है 200 mm का, ठीक है, ये इसका आई का जो हाइट है, और ये भी आपका सेम है, ये भी आपका 100 mm, और इसका जो लेंथ जो है ये आपका ISMB का जो लेंथ जो है ये आपका रहेगा, ये रहेगा दोस्तों 1 मीटर का। यहां पर मैं लिख देता हूं लेंथ इक्वल टू 1000 mm इक्वल टू 1 मीटर का, हम 1 मीटर का निकाल लेंगे, उस हिसाब से हम मेरा जितना मीटर का होगा उस हिसाब से निकालेंगे, निकल जाएगा। तो फिर चलते हैं अब यहाँ जो है, अब इसका देखते हैं क्या क्या है। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं, इसको मान इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, ये हम ले लेते हैं ए, और ये ऊपर नीचे बराबर है, इसको भी हम लेते हैं ए, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा आ गया, यहाँ तक आ गया, ठीक है, और इसका थिकनेस जो है ये वाला जो थिकनेस है यहाँ से यहाँ तक, तो जो थिकनेस इसका जो है ये आपका 15 mm का, ठीक है, ये मैंने एज्यूम किया है, माना है। हम आपको बस एक प्रोसेस बता रहा हूँ कि निकालना कैसे, आप एक बार प्रोसेस सीख लिए तो जिस साइज का जो आपका जो है आई बीम होगा आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, तो ऊपर वाला ले लिया, नीचे वाला ले लिया, तो ये मेरा कितना बचा, इसको हम ले लेते हैं B, ठीक है, तो B मेरा कितना बचा, तो B बराबर हो जाएगा मेरा जो है कितना था 200 mm, 200 mm में से मेरा माइनस हो जाएगा 15 mm इंटू सॉरी 15 mm, 15 mm ये प्लस और 15 mm ये ऊपर भी प्लस 15 mm, ये यहाँ तक मेरा भी जो है कितना है 15 mm, तो कितना हो जाएगा ये देखिए 200 माइनस 30 इक्वल टू 170 mm, ये मेरा B हो गया, ये तो मेरा 100 mm है ही, और इसका थिकनेस यहाँ भी ये से ये 15 है, तो ये भी आपका जो है 15 mm का, क्लियर है। अब जो है हम वॉल्यूम निकालेंगे, उससे पहले हम लोग जान लेते हैं, तो डेंसिटी ऑफ स्टील क्या होता है, ये आपका स्टील का है, डेंसिटी ऑफ स्टील होता है 7850 केजी पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब में स्टील का जो वॉल्यूम होता है 7850 केजी होता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ पे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे, और मेरा इसका लेंथ जो है कितना 1 मीटर का दिया हुआ है, उस हिसाब से तो यहाँ पे जब हम वॉल्यूम ए निकालते हैं, तो अब यहाँ पर लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ आई बीम, इसका निकालना है, तो पहले हम चलते हैं ए पे, ठीक है, ए निकालना है, जितना ए निकालेंगे इंटू टू कर देंगे तो मेरा दोनों ए निकल जाएगा, तो वॉल्यूम ए कितना हो जाएगा देखिए, तो यहाँ पे ए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, तो लेंथ मेरा 100 mm इंटू ब्रेथ मेरा 15 mm, हाइट मेरा 1000 mm, इसको हमको कन्वर्ट कर देना है mm को मीटर में, ठीक है, तो यह आ जाएगा 0.100 मीटर इंटू 0.015 मीटर इंटू
ये 1 meter, क्लियर है ये? तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका 0.1 × 0.15 × 1, ये आ जाएगा दोस्तों 0.0015 m³। ये क्लियर है? तो यहाँ पे ए जो है, इसलिए टोटल वॉल्यूम ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, जितना है ए इंटू टू, कितना ए का वॉल्यूम कितना है मेरा 0.0015 × 2, ये कितना हो जाएगा इंटू, अगर इसमें जो है 2 कर देंगे 30 हो जाएगा, ये 0.0030 m³। अब क्या है, अब बी का वॉल्यूम एल इंटू बी इंटू एच, एल कितना है आपका लेंथ, अब कितना बचा 170 mm, इंटू ब्रेथ आपका 15 mm का है, हाइट आपका कितना है, हाइट जितना बड़ा जाएगा वो 1 meter का 1000 mm। अब इसको जब कन्वर्ट कर देंगे मीटर में, ये आ जाएगा 0.170 m × 0.015 m × 1 m, ठीक है? तो अब जो यहाँ पर देखेंगे इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा दोस्तों मेरा, ये आ जाएगा 0.170 × 0.015 × 1, ये आ जाएगा दोस्तों 0.00255 ये मीटर क्यूब, इतना हो गया 0.0225 m³, इतना आपका वॉल्यूम आ गया। तो अब जो है, तो ये निकल गया मेरा, ये निकल गया और ये निकल गया, यहाँ पे हम 2 इसलिए किए थे क्योंकि इसका वॉल्यूम बराबर है, ये भी निकल गया मेरा। तो अब जो है, तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ आई बीम इक्वल टू हो जाएगा, दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसको और इसको, ये आ जाएगा 0.00030 + 0.00255, ये आ जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा +0.003, ये आ जाएगा दोस्तों 0.005 m³। ये क्लियर है? अब सबसे बड़ी बात यहाँ है कि मुझे क्या पता है एमएस स्टील का जो वेट होता है, चूंकि 1 m³ वेट ऑफ स्टील इक्वल टू 7850 kg, इसलिए यहाँ पर मेरा कितना है 0.00555 वेट कितना हो जाएगा, इंटू कर देंगे इतना इंटू 0.00555, कितना आ जाएगा 7850 × 0.00555, ठीक है 0.00555, ये आ जाएगा दोस्तों 43.56 kg।
मतलब एक मीटर का जो है आपका जो है वेट रहेगा ये 43.56 केजी रहेगा, उसी हिसाब से एक मीटर का निकल गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, चूंकि एक मीटर लेंथ तो वेट आएगा दोस्तों 43.56 केजी। अब इस हिसाब से आप जो है जितना ही मीटर का हो, चाहे वो आपका 6 मीटर का हो, तो आप इंटू 6 केजी निकल जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये था आपका दोस्तों जो है आई बीम को जो है कैसे निकालना है और कैसे उसका जो है वेट निकालना है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उससे बेनिफिट क्या है कि जो भी तरह का वीडियो हम सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड अपलोड करूँगा तो आपका जो नोटिफिकेशन देख रहा है ना, हाँ, वहाँ शो करेगा। ठीक दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।